तो करनाल की वीर तेजाजी महाराज की पावन धरती पर आज जैसा जन सैलाब मारवाड़ सहित राजस्थान के तेजाजी के भक्तों का उमड़ा है और ये जोश और जुनून जो सुबह 10 बजे से लगातार 5 बजे तक बरकरार है और यही जोश और जुनून अगर आपने 13 दिसंबर तक रख लिया तो कोई बड़ी बात नहीं कि 30-40 पार होके आप एक नंबर की बड़ी पार्टी के रूप में राजस्थान के अंदर आ जाओगे और किसान का बेटा राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा। यहां पे आज खूब छात्र नेता आए हुए हैं भाई, राजस्थान विश्वविद्यालय के नव निर्वाचित छात्र संघ के अध्यक्ष विनोद जाखड़, उपाध्यक्ष छोटी बहन रेणु चौधरी, जोधपुर विश्वविद्यालय के संघर्षशील छात्र संघ अध्यक्ष, बड़े संघर्ष के बाद जीते थे, सबसे लेट रिजल्ट 2:30 बजे इनका आया था, भाई सुनील चौधरी, किसान छात्र संघ के अध्यक्ष राजूराम खोजा, भाई मेरे यूनिवर्सिटी के जमाने के अंदर कॉलेज लो कॉलेज के अध्यक्ष रहे बलदेव जी सारण, यहां उपस्थित वीर तेजाजी महाराज की जो कमेटी है मंदिर निर्माण समिति, इसके अध्यक्ष सुखराम जी, सचिव भंवर जी निम्बड़, प्रेम सुख जी, उपाध्यक्ष रेमन जी डांगा, जितने भी मेरे छोटे भाई और छोटी बहने जो राजस्थान के कोने कोने से यहां जीत के कॉलेज और विश्वविद्यालयों के अंदर कोई उपाध्यक्ष के पद पे, कोई कॉलेज अध्यक्ष के पद पे और कोई विश्वविद्यालय के पद के अंदर उन्होंने समाज की और कौम का गौरव बढ़ाया। मैं सम्मानित मंच के ऊपर जितने भी जीते हुए पदाधिकारी हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के और हमारे दूसरे पार्टियों के जितने भी हमारे समाज के भाई हैं, जो चाहे कांग्रेस के अंदर नेता हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेता हो, सबका और लाखों की तादाद के अंदर जो परिवर्तन करने वाली तेजाजी के भक्तों की फौज है, इन सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि पिछले 7 घंटे से आपने खरनाल के मेले का संदेश दिल्ली तक पहुंचा दिया। मैं आज बधाई दूंगा आपको तेजादशमी की और मैं भी बहुत बड़ा भाग्यशाली हूं कि सुरसुरा गांव के अंदर, वैसे तो मैं दूसरी बार दर्शन करने के लिए गया था लेकिन मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं कि रात को 12:30 तेजादशमी की शुरुआत हुई सुरसुरा गांव के अंदर, जहां तेजाजी महाराज ने गौ माता की रक्षा के लिए आज से 1000 साल पहले लड़ते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए और उन डाकुओं को भगा दिया और पहाड़ों के अंदर मार गिराया। उस धरती पे तेजाजी महाराज के 12:30 बजे दर्शन किए और आज उनकी जन्म स्थली पे 5 बजे आपका भाई आप सबके दर्शन कर रहा है, तो मुझे दोनों दर्शनों का सौभाग्य मिला। तेजादशमी की तो मैं शुभकामनाएं दूंगा ही दूंगा, ये वीर तेजाजी का जयकारा ही है जो आपको सत्ता के निकट लेके जाएगा। 15 साल पीछे होके देखो, खरनाल का मेला जो भरता था बहुत कम संख्या के अंदर था और हर साल दुगुना तिगुना और चौगुना हो रहा है। मेरे भाइयों, आपके अंदर जवानों के अंदर ऐसा लग रहा है कि तेजाजी महाराज की परछाई जवानों के अंदर और उनका आशीर्वाद किसान के बेटों के अंदर चल रहा है और इस आशीर्वाद के आगे न तो अमित शाह टिकेगा और न राहुल गांधी टिकेगा, न वसुंधरा टिकेगी और न गहलोत और पायलट टिकेंगे। इस बार ऐसा जादू मंत्र तेजाजी महाराज के जयकारे का चलेगा और तेजाजी के साथ साथ आपका भाई हनुमान है, हनुमान के मंत्र से तो नाम से ही भूत प्रेत भाग जाते हैं। मैं तो साक्षात हूं तो भूत तो अशोक गहलोत और पायलट है और भूतनी वसुंधरा राजे जो राजस्थान से भाग जाएगी, इतना भरोसा आपका भाई आपको दिला रहा है। मैं बधाई दूंगा आपको रामदेव जयंती की, दलितों के उत्थान के लिए
किसानों के लिए लड़ते हुए राम साहब पीर ने बहुत बड़ा ख्याति इस देश के अंदर प्राप्त की, और आज भी कोई मन्नत मांगने के लिए रामदेवरा जाता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। वो गरीब और पिछड़ों के देवता थे। और तीसरी शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा, खेजड़ला के अंदर हमारे किसान की बेटी अमृता देवी ने, विश्नोई समाज की हमारी बहन ने 363 अपने साथियों के साथ सामंती ताकतों से लड़ते हुए पेड़ों को बचाया, पर्यावरण को बचाया। तीन पर्व आज एक साथ मना रहे हैं और तीनों पर्व किसान के बेटे मिलकर मना रहे हैं। एक जोधपुर के अंदर हो रहा है, दूसरा नागौर के अंदर है और तीसरा जैसलमेर बाड़मेर के अंदर है। वैसे दो दिन से मैं मेवाड़ के दौरे पे था, उनकी बड़ी जिद थी क्योंकि तेजाजी महाराज को मारवाड़ से भी ज्यादा अगर कोई मानता है वो मेवाड़ कौम का किसान का बेटा वीर तेजाजी के लिए अपने प्राण बछावर करने को तैयार है। उनकी बड़ी इच्छा थी कि हनुमान जी खरनाल का कार्यक्रम दशम को आ जाता है और आप हमें कभी कार्यक्रम नहीं देते, तो मैंने कहा दशम को तो मैं खरनाल इसलिए रहूंगा कि मुझे तेजाजी महाराज के आदर्श राजस्थान की राजनीति में स्थापित करने हैं, इस छोटी फौज को भी संभालना है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये तेजाजी के भक्तों की फौज काबू नहीं आएगी, इसलिए मुझे वहां जाके इनको काबू में भी रखना है, नहीं तो ये छोटी मोटी उछल कूद कर लेते हैं, तो मुझे यहाँ तो आना ही आना था। तो उन्होंने सारे कार्यक्रम दो दिन पहले 17 और 18 को मेवाड़ की धरती पर रखे। मुझे अचंभा हुआ कि ये मेवाड़ की वीरों की धरती के अंदर इस तरह तेजाजी के भक्तों का सैलाब उमड़ेगा। मैं 7-7, 8-8 घंटे लेट चला, लेकिन विजयनगर, गुलाबपुरा, चित्तौड़, कपासन, रेल मंगरा और निम्बाहेड़ा जो मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे, वहां 20-20 हजार, 30-30 हजार लोगों की ऐसी सभाएं हुई और महिलाओं का इस तरह सैलाब उमड़ा। एक गांव के अंदर जब मैं जा रहा था तो बच्चे जिद करके, गरबा का कार्यक्रम चल रहा था, तो उन्होंने बोला साहब आप हमारे कार्यक्रम के अंदर आओ, 2 मिनट लगेगी। उसमें 36 कौम के लोग बैठे थे। मैं गरबा के कार्यक्रम के अंदर गया, माताएं बहनें बैठी थी। मैंने कहा, बोले आपको पूरा आशीर्वाद है। मैंने कहा आप मुझे जानते हो, मैं कौन हूं, क्या हूं? बोले जानते तो नहीं है लेकिन इतना अच्छा नेता यहाँ कभी नहीं आया जिसके साथ 1000 गाड़ियां चल रही हो और जो तेजाजी महाराज का जयकारा मेवाड़ की धरती पर लगा रहा। और भाई उन्होंने ये भी कहा, मेरे भाई धोखा देके मत भागना, धोखा देके हमें रोजाना लोग वोट के लिए आते हैं और बाद में धोखा देके भाग जाते हैं। वोट तो समाज के नाम के लेते हैं और गीत गहलोत और वसुंधरा के गाते हैं, और मौका नहीं लगे तो रात को पायलट के गीत भी गाए थे मौका लगता है तो ऐसा मत बनना मेरे भाई। हमें उम्मीद है, हम बहुत तकलीफ के अंदर है, मेवाड़ के नेताओं ने लूट मचा रखी है। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, 70 साल हो गए वोट देते देते, लेकिन शुद्ध पीने का पानी भी मेवाड़ के अंदर नहीं आया। सीमेंट की बड़ी कंपनियां आई जिन्होंने किसानों की जमीन अधिकृत कर ली, चाहे जिंक चित्तौड़ का मामला हो, चाहे निम्बाहेड़ा का मामला हो, चाहे अजमेर विजयनगर के अंदर जिंक और दूसरी जो भी मिल और बड़ी कंपनियां आई है, उन्होंने जमीनों को अधिकृत करके किसानों को भूमिहीन कर दिया और लैंड बैंक बना के राजस्थान के किसान और जवानों को लूट रही है। तो मैंने उनको कहा कि आपके नेता इन उद्योगपतियों के दलाल है। हमारे नागौर के नेता भी जेके गोटन वाइट की दलाली करते थे और जोधपुर के नेता भी किसी न किसी सीमेंट कंपनी के दलाल है, वो दलाली करके ही पैसा उन लोगों ने कमाया है। मेरे भाइयों, अगर मुनीमगिरी का काम करना हो तो कोई व्यापार कर लो, अपने भाइयों को धोखा मत दो। हनुमान बेनीवाल के तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खींचर की जनता तैयार है, लेकिन राजस्थान का जवान किसान इस 18 के मिशन को नहीं समझ सका तो 100 साल तक दोबारा ऐसा लड़ाका राजस्थान के अंदर आपको नहीं मिलेगा जो सुबह से लेकर रात तक आपके लड़ता है। और लड़ते लड़ते लड़ाई की इतनी आदत पड़ गई कि जब तक एक दो नेता से पंगा नहीं ले लेता तब तक मुझे रात को नींद आराम से नहीं आती, इसलिए लड़ाई लड़ता रहता हूं मैं। कई लोग ये भी कहते हैं
कई लोग आज अलग अलग मेलों के अंदर दो तीन नेताओं से बात हुई, मैंने कहा आप खरनाल मेले में नहीं आ रहे हो? बोले मेले में नहीं आ रहे, हम सुबह 6 बजे दर्शन करके निकल गए, कोई 5 बजे आ गया। तो मैंने कहा सभा तो दिन में? बोले वहां तो सभा के अंदर तो अव्यवस्था हो जाती। मैंने कहा क्या होती है? बोले आपके नारे लगते हैं। तो मैंने कहा नारे किसके लगते हैं? तेजाजी महाराज का जयकारा क्यों होता है? तेजाजी महाराज अगर खुद के लिए लड़ते तो उनके गीत कोई नहीं गाता। खरनाल गांव के अंदर तेजाजी के साथ भी तो कई लोग उस समय थे, उस जमाने के, उनका नाम तो नहीं लिया किसी ने। हनुमान बेनीवाल खुद के नहीं लड़ रहा है। अगर मैं वसुंधरा गहलोत की सैंडल चप्पल उठाता तो प्रदेश की सरकार के अंदर 15 साल में उछल कूद करके जिस तरह मारवाड़ के और नागौर के नेताओं ने कभी कांग्रेस कभी भाजपा कभी निर्दलीय कभी भाजपा, दिन में भाजपा रात को कांग्रेस और दोपहर में निर्दलीय, ऐसी अगर हालत होती मेरी तो मैं भी 3 बार मंत्री बन जाता। लेकिन मैंने प्रण लिया है कि जब तक किसान का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन जाता तब तक मंत्री नहीं संतरी बनकर राजस्थान के किसान के बेटों की सेवा करूंगा। और हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर संतरी बनकर आपकी सेवा कर रहा है। मेरे बीजेपी और कांग्रेस के अंदर कई दोस्त हैं, वो कहते हैं कि हनुमान जी आपको धन्यवाद कि आपने कौम को जगा दिया और हमारी पूछ करा दी। जो वसुंधरा मिलने का टाइम नहीं देती थी वो वसुंधरा टेलीफोन करके कह रही है कि अमित शाह जी आ रहे हैं, मैं आ रही हूं, जल्दी से अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करो, जल्दी से मुझे खरनाल ले चलो तेजाजी के दर्शन कराने के लिए। तो तेजाजी को भी अगर वसुंधरा को याद दिलाया और अमित शाह को भी वीर तेजाजी महाराज की याद दिलाई। वैसे मैं बाहर था इसलिए थोड़ी सी मुझे कमजोरी नजर आई नागौर के अंदर, अमित शाह बिना टोटके के ही वापिस चला गया, टोटका नहीं कर पाया आप लोग। अब कहीं ना कहीं कराना पड़ेगा, देख घूम के कराएंगे पीछे, और क्या करें बताओ, पूरा टाइम लगता है ना। अच्छा मैं भी नहीं चाहता कि चुनाव के टाइम कानून हाथ के अंदर ले, आप बच्चे हो ज्यादा बिगाड़ा कर देते हो। पिपाड़ जोधपुर के अंदर आपने वसुंधरा के रथ पे पथराव किया और पिपाड़ के अंदर तो वसुंधरा को रथ के अंदर छुपना पड़ा, झूठे मुकदमे बच्चों पर दर्ज हुए। मैंने यही कहा था कानून हाथ में मत लेना, लोकतांत्रिक तरीके से अगर हो विरोध कर देना। वैसे तो विरोध कर दिया, सभा फेल हो गई। 4,000 की सभा तो आजकल सरपंच करवा लेते हैं और अमित शाह की सभा के अंदर अगर 2,000 कुर्सी लगा के 4,000 की मीटिंग कर रहे हैं। जब अमित शाह नागौर के अंदर भाषण दे रहा था, आपका भाई हनुमान बेनीवाल मध्य प्रदेश के उस कॉर्नर पे भाषण दे रहा था जहां उसके जाति की संख्या बहुत कम है और वहां भी 15,000 की भीड़ थी, डोम पूरा भरा हुआ था निमाड़ा के अंदर। लोगों ने मेरे पे जितना बड़ा विश्वास किया है मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा। ये मेरे समर्थक साथी जो मंच पे बैठे हैं सब मेरे पारिवारिक लोग हैं, ये भी मेरे से दुखी हैं कि राज में तो आएंगे नहीं, झूठे मुकदमे लगवा देंगे और कभी न कभी हमारी जेल यात्रा करा देंगे, इसको लेके बड़े चिंतित रहते हैं। लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, भगत सिंह जब फांसी पे चढ़ा तब देश आजाद हुआ, भगत सिंह ने असेंबली के अंदर बम फेंका था तब जेल के अंदर कई लोग उनसे मिलने के लिए गए, बोले आपको फांसी हो जाएगी। भगत सिंह ने कहा मरना तो एक दिन है सबको, मुझे फांसी हो जाए इस बात का गम नहीं, लेकिन भारत माता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो जाएगी, मेरी भारत माँ को कोई गुलाम नहीं कहेगा। हनुमान बेनीवाल भगत सिंह की भूमिका के अंदर लड़ रहा है, वो तांतिया टोपे की भूमिका के अंदर लड़ रहा है, वो राजस्थान का जवान मेरा साथ भगत सिंह की भूमिका के अंदर दे रहा है और माताएं बहने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के रूप में इस राजस्थान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। मेरे भाइयों अब भी अगर शंकित नहीं हुए मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं जब वसुंधरा के काबू नहीं आया, कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए मेरा काम राजस्थान के अंदर नहीं रुकेगा। इस राजस्थान के अंदर विपक्ष अगर कहीं है तो हनुमान बेनीवाल है, 4.5 साल तक तो किरोड़ी लाल जी भी मेरे साथ थे, लेकिन मुझे छोड़ के वसुंधरा की पुरानी उनकी यारी थी वो निभाने के लिए चले गए, मुझे छोड़ दिया। लेकिन हनुमान बेनीवाल इन चीजों की परवाह नहीं करता। कल चित्तौड़ के अंदर मेरे साथी कह रहे थे कि किरोड़ी लाल जी तो आपको छोड़ के चले गए, तो मैंने कहा ऐसे तो आदमी के घर में कोई ना कोई छोड़ के चला जाता तो उसके पीछे थोड़ी जाता आदमी, चले गए होंगे, किरोड़ी लाल जी मुझे छोड़ के जरूर गए हैं।
लेकिन राजस्थान का जवान मेरे साथ है। बीकानेर की रैली तक किरोड़ीलाल जी साथ थे, उसके बाद जब शेखावाटी की सीकर की रैली का ऐलान किया था, सीकर हमारा सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा तबका है, हमारा समाज भी राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा शिक्षित सीकर झुंझुनू के अंदर है, और बड़े जमींदार अगर हमारे समाज के लोग हैं वो हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर है। ऐसी लेर चली शेखावाटी के अंदर, जो आंधी नागौर की धरती से उठी थी, बाड़मेर बीकानेर होते हुए सीकर में तूफान बन गई, और जयपुर के अंदर ऐसा जलजला आएगा, ऐसी सुनामी आएगी कि गहलोत और वसुंधरा किसी टावर पे मिलेंगे या किसी पेड़ पे मिलेंगे, और किसानों का राज राजस्थान के अंदर आएगा। मेरे भाइयों, लोग कहते हैं कि रैलियों से कोई वोट थोड़ी मिलते हैं, तो फिर क्या कोई मंत्रों से वोट मिलते हैं? जंतर मंत्र करने से अगर उनसे मिले, तब तो वसुंधरा जी ने अब की बार किसी बाबा को नहीं छोड़ा, और बाबा रामदेव के साथ तो अपना पूरा समय बिताया, तो सारा वोट मिल जाएगा वापस वसुंधरा को। ये पता लग जाएगा कि वोट जंतर मंत्र से मिलता है या रैलियों से। मैं कोई रैलियों में गाड़ियां थोड़ी बेचता हूं, मैंने रैलियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं गुजर मीणाओं के अंदर जाता था, वो कहते थे आपके समाज के लोगों ने लड़ना छोड़ दिया, आपकी कितनी बड़ी संख्या है, आपके कितने नेता होते थे, 52 से लेके 90 तक के दौर के अंदर हमारे नेताओं को किसान नेता के रूप में राजस्थान की दूसरी जातियां मानती थी, दलित भी हमें हमारा नेता मानता था, मुस्लिम भी हमें हमारा नेता मानता था, और मीणा गुजर और मेघवाल उनका भी कोई नेता था, तो जाट को वो सबसे बड़ा अपना नेता मानते थे, क्योंकि सामंतवाद के खिलाफ अगर राजस्थान के अंदर किसी ने लड़ाई लड़ी और अपने भाइयों को पोलिंग बूथ पे 1952 के चुनाव के अंदर उंगली पकड़ के कोई ले गए, वो जाट समाज के लड़ाके थे जिन्होंने प्राण न्योछावर करके झुंझुनू शेखावाटी से मारवाड़ तक ऐसी कई लड़ाइयां लड़ी जिनमें हमारे भाइयों को उनका हक और अधिकार दिलाया। लेकिन उनका वो लड़ाई तो 47 से पहले की थी, 52 तक की लड़ाई थी, उसके बाद क्या लड़ा आपने? आपके नेताओं तो आपके समाज को ही धोखा दिया, ने तो खुद सीएम बने और ने दूसरों का मौका आने दिया, इसलिए हम तो नए नेता हमारे खुद के ही समाजों को तैयार करेंगे। और गुजर मेणाओं ने अपने नए नेता तैयार कर दिए, तब मैंने उनको कहा था मेरा समाज भी एक दिन जगेगा, और मेरा समाज जिस दिन जगेगा उस दिन सारी जातियां साथ में खड़ी हो जाएगी जो 52 से पहले 1947 से पहले सामंती ताकतों के खिलाफ हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ रही थी। बस हमें जोर दिखाना है मेरे भाइयों, लड़ाई को अंतिम रूप में ले जाना है, और ये लड़ाई का आखिरी राउंड है। 10 तारीख से पहले पहले आचार संहिता की घोषणा हो जाएगी। मुझे धन्यवाद दो अमित शाह मोदी और राहुल गांधी को, राजस्थान की अगर किसी ने याद दिलाई, उन्हें किसी ने गांव का रास्ता दिलाया या प्रदेश के युवाओं का, कांग्रेस पार्टी ने जो बेरोजगारी भत्ते की सबसे ज्यादा किसान के बेटे सीने पे अगर गोलियां खा रहे हैं, तो इस भारत माता की रक्षा के लिए सबसे ज्यादा सादत इस नरेंद्र मोदी के आने के बाद हो रही। अरे भाइयों एक मिनट तो रुक जाओ, कहां वोट डालने जा रहे हो क्या? कहां जा रहे हो इसके अंदर से? तो रुको तो एक बार यार। आज बहुत बड़ा दुर्भाग्य कि राजस्थान भ्रष्टाचार के अंदर भी एक नंबर में आ गया। सबसे बड़ा बजरी घोटाला, खान घोटाला, एनआरएचएम का घोटाला, पीएमटी का एग्जाम, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश से रद्द हुआ, गहलोत ने वसुंधरा की जांच नहीं कराई। 8 से 13 के अंदर गहलोत हमेशा कहते रहे कि मैं वसुंधरा की जांच कराऊंगा, वसुंधरा को छोड़ो, उनका चपरासी धीरेन्द्र कमटान खासा कोटी का कालीन चोर के भाग गया था, वो कालीन भी अशोक गहलोत आज तक बरामद नहीं कर सका। ऐसी हालात राजस्थान की है मेरे भाइयों। इन हालात से अगर कोई जूझते हुए आपको सत्ता के शिखर पर ले जा सकता है, तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आपको सत्ता के शिखर पर नहीं लेके जाएगी जब तक कप्तान हमारा नहीं बनेगा राजस्थान के अंदर। मैंने 2 साल पहले इसी मेले से कहा था
मेरी कोई कांग्रेस पार्टी से लड़ाई नहीं है, कोई भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई नहीं है, लेकिन हम खाली वोट देने के लिए और रैली करने के लिए नहीं है। हमें राजस्थान के अंदर कप्तानी चाहिए और ये दोनों पार्टियां आपको कप्तान नहीं बनाएगी। हमें जयपुर की रैली के अंदर संपूर्ण किसानों की कर्जा माफी, मुफ्त बिजली, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, लोग मजबूत लोकपाल हो, संपूर्ण कर्जा माफी और जितने भी मुद्दों को लेकर हमने जो रैलियां करी उसके बाद जयपुर की रैली का हम 2-3 दिन आह्वान करेंगे। आपको 15 लाख से ज्यादा तादाद के अंदर राजधानी को घेरना है। जब तक वसुंधरा सरकार हमारी मांगे नहीं माने तब तक हम इनको बाहर नहीं निकलने देंगे और नई पार्टी का ऐलान जयपुर की रैली से करेंगे। मेरे भाइयों आप ये बताओ, एक तरफ तो अशोक गहलोत है जो भूत पूर्व हो गया, तो कहते हैं ना कि भागते भूत की लंगोटी और भूतनी की चोटी, तो गहलोत की तो लंगोटी भाग गया, पायलट आया नहीं, अब वसुंधरा की चोटी पकड़ के और अपने को वो मंत्र पढ़ना है जो हनुमान जी बालाजी महाराज का मंत्र है, उससे ये काम भी ठीक हो जाएगा, इसको भी घर बिठा देंगे और आने वाला राज राजस्थान के अंदर आपका लाएंगे। आपका राज राजस्थान के अंदर जब तक नहीं आएगा तब तक कितने ही आईएएस बन जाए, कितने ही नौकरियां लग जाए, कितने ही मंत्री बन जाए, जब तक मुख्यमंत्री राजस्थान के अंदर आपका नहीं बनेगा तब तक आप इसी तरह सड़कों पर संघर्ष करते रहोगे। मेरे भाइयों, कई लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल नौजवानों को गलत दिशा के अंदर ले जा रहा है। अगर पिछले 15 साल के अंदर मैं गलत दिशा में ले जाता तो सबसे ज्यादा नौकरियां नौजवानों की नहीं लगती। नागौर जिले के अंदर किसान के बेटे बेटियों ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लिए, खेल के अंदर आगे बढ़ी और राजस्थान का जवान नौकरी के साथ साथ उद्योग में भी आगे बढ़ा। ओलंपिक एशियाड के अंदर भी जब भी पदक की तरफ नजर दौड़ाते हैं सबसे पहला पदक अगर कोई लेता है तो किसान का बेटा बेटी पदक लेके भारत माता के मान और सम्मान की रक्षा करता है। मैं आपको युवाओं को एक संदेश